नैक्सट एक्सरसाइज एक्सरसाइज डी इनडेफिनेट इंटैगरल ये की होएगा जिम्मे पिछली एक्सरसाइज खत्म की है ठीक है तुम्हें पता है कि डिनोमीनेटर की जेकर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर च एग्जिस्ट करती है तो तुम जगह पर डायरैक्टली की करते वैल्यूज फिल करके सोल्व करते ही लॉग इंप्लीमेंट करते हूँ ये जी एक्सरसाइज सूँ डी दी है ये आएगी सब्सटीट्यूशन रूल फोर द सब्सटीट्यूशन यानी कि जी वैल्यूज हो एक दूजे इंटररिलेटिड हो ठीक है जिमें पिछली एक्सरसाइज से डिनोमीनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के इंटररिलेटिड सी इसी तरीके जो हूँ जो एक्सरसाइज डी करनी है ये क्यों होगी एक दूजे इंटररिलेटिड ठीक है ये कि वैल्यूज हो जिन्हों आप याद रखना जिमें क्या इन ए सर्कुलर फंक्शन ठीक है यानी कि एरिया ठीक उस तो बाद कहता इन एन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक इन द इंडेक्स पावर ऑफ ई यानी कि एक्सपोनशियल इन ए लॉगरिदम ठीक है लॉग दिया वैल्यूज आ चार वैल्यूज कि यूज़ करनी है दैन इट इज़ जनरली यूजफुल टू पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई फिर तुहाडे वास्ते जिहड़े सम सोल्व करने जिहड़े उह ईजी हो जाएंगे क्योंकि जी एक्सरसाइज है ये जिमें एग्जाम्पल तुम देखते हो ना एक्स क्यूब स्केयर रूट ऑफ 3 + 5x^4 हुण सानू नहीं पता लगेगा कि आपां कि वैल्यू जी इक्वल टू वाई लैके सोल्व करनी है एक्स क्यूब लैना या 3 + 5x^4 लैना ठीक है सो ए वाली असं एक्सरसाइज करन लगे हैं एक्सरसाइज डी सब तो पहली एग्जाम्पल हैगी है एग्जाम्पल शुरू करने तो पहले एक छोटा जिहा फॉर्मूला याद रख लो फॉर्मूला की है जी वह कहता है आई लेट का मतलब होएगा आई मतलब इंडैक्स पावर कह लो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कह लो याद रखने का एक तरीका है एल मतलब लॉग दियाँ वैल्यूज ए मतलब जिमें उन्हें सर्कल की गल की ना सर्कुलर फंक्शन जिमें मान लो एरिया ठीक है जां कोई सर्कुलर फंक्शन हो कोई भी फंक्शन हो सकता ठीक है टी मतलब ट्रिग्नोमैट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री ई मतलब एक्सपोनशियल वैल्यूज ठीक है सम एक्सपोनशियल वैल्यूज आनी है ये जिहड़ियां वैल्यूज होंदियां ने साडे लई हैल्पफुल होंदियां ने इस एक्सरसाइज नूं सोल्व करन दे क्योंकि इस एक्सरसाइज दे विच सानूं पता नहीं लगता कि आपां कि वैल्यू जी इक्वल टू वाई लैके सोल्व करनी है कि इक्वल टू यू लैनी ठीक है सो पहले एग्जाम्पल करते एग्जाम्पल नंबर 1 ठीक है एग्जाम्पल नंबर 1 दे विच कहिंदा आ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब स्केयर रूट ऑफ 3 + 5x^4 डी एक्स असी क्या सीगा कि वैल्यूज़ में आपको सोल्व करना है जो सर्कुलर वैल्यू इंडैक्स वैल्यूज लॉग वैल्यूज ठीक है हूँ जी आ वैल्यू साढ़े को आ रही है 3 + 5x^4 ठीक है आप करा एक अंदर आ रही है स्केयर रूट के अंदर आ रही है स्केयर रूट नहीं लेना ठीक है बिना स्केयर रूट तो लवेंगे 3 + 5x^4 किलो लवेंगे वाई दे हूँ स्केयर रूट जोड़ा आ ना लैन का कारण की है देखो जेकर मैं 3 + 5x^4 = y लै ला जो तुम यदि डिफरेंशिएशन करोगे बन जाएगा 1/2 √3 + 5x^4 यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो कि आ जाएगा जी 20x³ dx = dy ठीक है यानी कि आ वाला फंक्शन जिहड़ा तुहाडे लई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उपर वाला फंक्शन तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब है डिनोमीनेटर चा वैल्यूज नहीं चलती सो दैट्स वाई आप स्केयर रूट लेना ठीक है सो हुण की करांगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड पूरा लिखना तुसी डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करोगे तो 3 एज ए कॉन्सटेंट है 0 हो जाएगा इहनू सॉल्व करोगे कि आ जाएगा 20x³ dx = dy सो मेरे को वैल्यूज है पर x³ dx = 1/20 dy ठीक है हूँ साढ़े को वैल्यू आ गई x³ dx = 1/20 dy की आप वैल्यूज जैल्यूज़ में फिल करने तो बाद वाली क्वेश्चन बनेगी जो मैं रीराइट करा ये आएगी √y/20 dy 1/20 साढ़े को कॉफिशेंट है बाहर आ जाएगा ठीक है अंदर की रह जाएगा y^1/2 dy जो तुम यदि इंटीग्रेशन करोगे ठीक है तो यदि पावर की होएगी एक बजेगी 1/2 च 1 ऐड करिए 1/2 + 1 आंसर इज 3/2 सो इतने भी आ जाएगा 3/2 इतने भी आ जाएगा 3/2 + c ठीक है सो साढ़े को इक्वेशन की बनेगी 1/20 × y^3/2 जिहड़ा आ वाला 3/2 है ये रेसिप्रोकल होकर की बन जाएगा 2/3 + c
इनू तो इनू दोवों सॉल्व कर देने टू 23 वाई रेस्ट पावर 3/2 सॉल्व करोगे तो को बचेगा 1/30 इंटू वाई रेस्ट पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, वाई की वैल्यू ये लास्ट से फिल कर दो। साढ़े को वाई की वैल्यू कि चलती पी है 3 + 5x⁴ + c इट्स योर आंसर। ठीक है जी, नैक्सट करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू की स्टेटमेंट की है साढ़े को, कहिंदा इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वेयर -1^(1/3) डी एक्स इंटू एक्स पावर 5। हम देखो जेकर तुसी एक्स पावर 5 नू फिल करोगे एज ए डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5x⁴ जो कि ये है ही नहीं एक्स पावर 4। ठीक है, जेकर तुसी एक्स स्क्वेयर नू डिफरेंशिएट करोगे वह बन जाएगा जी 2x dx = dy, वो भी इतने एग्जिस्ट नहीं करता पा। सो यदा मतलब है कि जी हम तेरे को इक्वेशन दी है तुम्हें की करना है इनू पहला मोल्ड करना किमें करना जो ये दोवें एक दूजे की डिफरेंशिएशन करके फंक्शन नू कंप्लीट ना कर दें पई हूँ तो आप करना इनू मोल्ड करना किमें मोल्ड करना एक्स स्क्वेयर -1^(1/3) जेकर एक्स पावर 5 मैं इदा लिखा x² × x² × x dx। ठीक है, उस तो बाद मैं की करा आ जी वैल्यू है x² - 1 इनू इक्वल टू ला लाँ वाई दे। ठीक है, मेरे को देखो इतों एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कि आ जाएगी y+1। ठीक है, हूँ जो तुम ये डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करके देखो की बनेगा 2x dx = dy। 2 नू जेकर मैं उधर ले जाऊँ ये बन गया x dx = 1/2 dy। यदा मतलब कि एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी आ गई, इस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी आ गई, एक्स डी एक्स फंक्शन सॉल्व होकर 1/2 dy दे रहा है, आ जी वैल्यू है यह भी साढ़े को सॉल्व हो गई। हूँ साढ़ा पूरे का पूरा फंक्शन जोड़ा सारिया वैल्यूज़ में सॉल्व करता पे, असी उन्होंने वैल्यूज़ में फंक्शन च फिल करांगे तो साढ़े को बनेगी इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन किदे को आएगी, आ जो फंक्शन किदे को साढ़े को वाई दे यानी कि y^(1/3) इंटू देखो एक बार y+1 आना, एक बार फिर y+1 आना, इन असं डायरैक्टली लिख सकते हो y+1 2। ठीक है, एक्स डी एक्स की जगह पर मैं की लिख सकती हूँ 1/2 dy। 1/2 मैं पहले ही बार कटता, इतने रह गया ओनली dy। ठीक है जी, इन्ना टॉपिक क्लीयर हो गया। उस तो बाद असी की करना है, उस तो बाद कुछ खास नहीं है, आराम ना काम करते हैं। 1/2 y^(1/3) बार रहन दें, यदा स्क्वेयर खोल दें क्योंकि इस तो इलावा होर कोई चारा बचता ही नहीं सॉल्व करन दा। स्क्वेयर खोलोगे कि आएगा y² + 1 + 2y dy। हुण इनू ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो तुसी मल्टीप्लाई करोगे की बनेगी y^(y^2) मैं साइड से सॉल्व करती पी हाँ 1/3 + 2 3 × 2 = 6 = 1 7/3 यानी कि इतने आ जाएगा 7/3। सिमिलरली फिर जो तुम्हें इनू सॉल्व करोगे 1 के नाल बनेगा y^(1/3) जो ये सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 2 × y^(4/3 dy। ठीक है जी, हूँ तुम इस इक्वेशन की आराम नाल इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने भी बड़ी सौखी होएगी 1/2 y^(7/3 + 1 7/3 + 1 y^(1/3 + 1 1/3 + 1 2 × y^(4/3 + 1 4/3 + 1 इस पूरी इक्वेशन में तुसी सॉल्व कर दो तुहाडे कोल तुहाडा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इत्थे तुहाडी एग्जाम्पल नंबर 2 जिहड़ी है खत्म होंदी है। नैक्सट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हुण उन्होंने सानूं दित्ता होया फंक्शन 4x + 2 √x² + x + 1। ठीक है, असीं भी इसे तरीके नाल सम सॉल्व करांगे। सानूं पता है कि आपां मोस्टली इक्वेशन उही कंसीडर करते हैं जिहड़ियां स्क्वेयर रूट के अंदर होंदियां, तुहाडा सम जिहड़ा वो ईजी हो जाता है। ठीक है, सब तो पहला देखो आ जी इक्वेशन है ये साढ़े को 2 कॉमन आ रहा, असं 2 पहले बाहर कड़ लें, 2 कॉमन कड़ लिया साढ़े को इक्वेशन बनी 2x + 1 √x² + x + 1 dx। हम तुम देखते पे हो कि आ जी अंदर इक्वेशन आ रही है वो यदि की बनती पी है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो असं की करा सॉल्व करा, मान लें लैट x² + x + 1 के इक्वल है जी वाई दे,
डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करोगे, 2x प्लस 1 dx के दे को आ जाएगा dy, यानी कि आ वाला जो पूरा फंक्शन है विद dx ये सानू की दे रहा है dy, ठीक है। सो वैल्यूज नू फिल कर दें, 2 पहला तो बाहर आ इक्वेशन बन गई स्क्वेयर रूट ऑफ y dy, ठीक है। इंटीग्रेशन ये सॉल्व करनी तुहाडे वास्ते बहुत हुण ईजी हो गई, इन्हें तुसीं सॉल्व कर दो तुहाडे कोल रिक्वायर्ड तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट असीं चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 ते। एग्जाम्पल नंबर 4 दे विच सानू कहा गया जी इवैल्यूएट करो x प्लस 1 x प्लस log x होल पावर 2 ओवर की है जी x, ठीक है। असीं की करते हैं इन्हें सॉल्व करन दे लई चैक करदे किहड़ी वैल्यूज नू फिल करा। हुण मैं तुहानू कहा सीगा कि असीं ओह वैल्यूज नू फिल करदे हां जिहदे विच log हुंदा आई लेट फॉर्मूले दे अकॉर्डिंग। जदों तुसीं इहनू फिल करोगे इस इक्वेशन, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਦੇਗਾ 1 log x ਦੇਗਾ 1 ਓਵਰ x, ਐਲਸੀਅਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ x ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ x dx। ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਬਣ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ dx, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਪਲੱਸ 1 ओवर x, x प्लस log x पावर 2 dx, ठीक है। फिल कर दो x प्लस log x के दे इक्वल है y दे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, log x की 1 ओवर x होल dx इक्वल्स टू dy। एलसीएम सॉल्व करो, एलसीएम सॉल्व किया साढ़े को की बन गया x प्लस 1 ओवर x dx इक्वल्स टू dy, ठीक है। आही इक्वेशन असी तुहानू इत्थे बनाने लई कहा सी, तो वैल्यू आ गई, हम वैल्यूज नू फिल कर दो की आ जाएगा आई क्वेश्चन साढ़े को सॉल्व होकर की देगी सानू ओनली वाई स्क्वेयर नाल की आ जाएगा जी डी एक्स, ये भी तुसी इंटीग्रेशन कर दो तुहाडे कोल आराम नाल तुहाडा आंसर जिहड़ा वो आ जाएगा, इवैल्यूएशन जिहड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। नैक्सट जी एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो साढ़े कोल 3 पार्ट ने, उहदा एक पार्ट जिहड़ा मैं सॉल्व कराऊंगी, बाकी जिहड़े 2 पार्ट होणगे इन्हां दी तुहानू PDF मिल जाएगी, ठीक है। वो तुसी अपने आप ट्राई करने एग्जाम्पल नंबर 5 दा ए पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/4 ओवर एक्स पावर 5 डी एक्स, ठीक है जी। हुण इहदे विच वी असीं की करांगे इक्वेशन नूं मोल्ड करांगे, मोल्ड किवें करीदा देखो, जे तुसीं एक्स पावर 5 नूं सोल्व करोगे 4x³ बने सॉरी 5x⁴ बनेगा, ठीक है, पर एक्स सोल्व नहीं होएगा। सो एक्स नूं वी असीं नाल सोल्व करना, सो उहदे वास्ते असीं की करांगे इक्वेशन नूं मोल्ड करांगे। इक्वेशन नूं किवें मोल्ड करांगे, उपर वाली इक्वेशन चों की करो एक्स जिहड़ा आ उह कॉमन कढो, जे तुसीं एक्स कॉमन कढोगे ना उहदे नाल उहदी पावर 1/4 वी बाहर आएगी, ठीक है, वह 1/4 नाल 1/4 कैंसल हो जाएगा, साडे कोल की बचेगा एक्स 1 माइनस एक्स ओवर एक्स पावर 4 रेज़ टू पावर 1/4 ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਾਵਰ 4 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈ ਐਕਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ, ਐਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਐਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/4 ਓਵਰ ਐਕਸ ਪਾਵਰ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵਾਈ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਚੇਗਾ 3 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਪਾਵਰ 4 ਡੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਪਾਵਰ 4 ਤਾਂ ਓਵਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਡੀ ਐਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/4 ਐਂਡ ਡੀ ਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/4 ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 6, ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਏ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।